प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में जिस प्रकार गुंडे बदमाश सत्ता पर काबिज थे, लॉ एंड ऑर्डर को छिन्न भिन्न कर दिए थे, आज आम लोगों का आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार करते हुए सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाने से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो सुधरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों की जमानत हो जाती है, व्यापारी को होटल में मारने वालों की जमानत हो जाती है, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, चाहे वे जनता हो या विपक्ष हो, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। प्रदेश राज्य विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे बदमाश जिस ढंग से सत्ता पर काबिज थे, उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को छिन्नी भिन्न कर दिए थे, आज आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है, योगी जी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों की जमानत हो जाती है, व्यापारी को होटल में मारने वाले की जमानत हो जाती है, व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले की जमानत हो जाती है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, चाहे वो जनता हो या विपक्ष हो, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय ब्रजेश पाठक जी को, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। विपक्ष पे आरोप लगाने से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो सुधरने वाली नहीं है।